Welcome, dear students, once again in my channel Lessons of Life. अज दे इस वीडियो लैसन दे विच मैं तुहाडे लई प्रैक्टिस शीट नंबर 5 लैके आई हाँ तुहाडे इंग्लिश प्रैक्टिकल दी बेटा, जो कि वेस्ट है तुहाडा लैसन आ जिहड़ा द पंजाब अ ग्लिम्स दे उत्ते। इस वीडियो दे विच असी लिसनिंग दे नाल नाल स्पीकिंग वाला पार्ट भी सॉल्व करांगे, सो सारी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनना और नोट डाउन कर लेने ने आंसर्स बेटा, ताकि थोड़े जिहड़े फाइनल प्रैक्टिकल होणगे उहदे विच तुहाडे फुल बेटा फुल मार्क्स आ सकन। इस तो पहली जिहड़ी चार वर्कशीट्स ने वो भी अपलोड कीतियां जा चुकियां ने, अगर तुसी वो हजे तक नहीं देखियां उन्हां नूं भी एक बार जरूर ध्यान नाल सुन लवो, ठीक है। चलो करदे आ अज दी वीडियो आपां शुरू। ये देखो लिसनिंग प्रैक्टिस लिखिया होया ते क्वेश्चन दिते हुए ने कुछ, हुण मैं ऑडियो प्ले करूँगी, नाल दी नाल तुसी ऑडियो सुनदे सुनदे तुसी आंसर्स अपनी कॉपी ते नोट डाउन करदे जाने ने कि फस्ट दा ए आ जां बी आ, ठीक है। एंड ते मैं तुहानूं आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगी, फिर तुसी चेक करियो कि तुहाडे किन्ने नंबर आए, ठीक। चलो कर दिया शुरू, लो जी सुनो फिर ऑडियो। लिसनिंग टेस्ट क्लास 8 प्रैक्टिस शीट 5 लेसन द पंजाब अ ग्लिम्प्स। यू विल हियर एन ऑडियो एंड यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एज यू लिसन। Before you listen to the audio, please read the questions carefully. जब प्रैक्टिकल हुंदा ए टाइम पुत क्वेश्चंस नू रीड करन लई हुंदा, सो आला दाला देखन दी बजाय अपनी आंसर सीट दे उत्ते देखो ते क्वेश्चन नोट करो। Listen to the audio. It is built in the middle of a square tank. To reach the temple, there is a 60-meter long marble path. This path has marble railings on both the sides. The temple is double-storied. It has a golden dome on the top. The marble slabs used in the construction of the temple have on them fine artistic engravings. The inner walls are decorated with precious stones. They have on them priceless paintings and other works of art. On the ground floor, under the dome-shaped roof, lies Shri Guru Granth Sahib. It is the holy book of the Sikhs. Explained Mr. Matthew. Do you know it was Sri Guru Arjan Dev, the fifth guru of the Sikhs, who compiled this holy book? Asked Mr. Matthew. Anandpur Sahib is another place of Sikh pilgrimage. It is a small town on the left bank of the Satluj River. It was founded by Shri Guru Tegh Bahadur. Lakhs of Sikhs gather here annually to celebrate the founding of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji in 1699. This is the end of the audio. Okay, beta. Audio sun li. Aur tusi hun answers ne je tick kar le hone ne, hai na? हुण मैं तुहानूं सही आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि तुहानूं पता लग जाए तुहाडे किन्ने मार्क्स ने, ठीक है। पेन लै लीए, सो ये लै लिया पेन। पहले का आंसर सी बेटा 60 बोलिया सी, सो बी आ। अगर तुसी बी टिक कीता राइट है। सैकेंड दे विच देखो कि सी रेलिंग की गल हुई सी, रेलिंग कित्थे लिखिया सी दे विच, सो इहदा आंसर आ सी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन दे विच इट हैज़ अ गोल्डन डूम, बी ते पिया गा डी ओ एम ई, सो इहदा आंसर है बेटा बी। फोर्थ वन दे विच की सीगा, ये थोड़ा सीधी सारी लाइन सारा सेंटेंस सीधा नहीं बोलिया गया, है फाइन तो आया सी, ठीक है। सो द मार्बल स्लैब्स हैव फाइन आर्टिस्टिक, सो ए आंसर है बेटा इहदा आर्टिस्टिक। सो देखो हुण इहनां विचों तुहाडे किन्ने सही ने, चलो अगली स्लाइड ते चलदे आ। पेन लै लिया। हुण पंजवें दा आंसर देखो की लाया तुसी, इहदा आंसर डेकोरेटड, walls are decorated,
ठीक है, सो फिर ए आना सी इहदा आंसर। नैक्सट वन दे विच आया सी दे हैव प्राइसलैस की, उत्थे प्राइसलैस पेंटिंग्स की गल हुई है, पेंटिंग पिया सी ते। ठीक, नैक्सट इत्थे तक उन्होंने एक्सप्लेन करन तो बाद थोड़ा होर दो चार सेंटेंस बोले, उदू बाद श्री गुरु अर्जन देव जी की गल हुई है। श्री गुरु अर्जन देव जी किन्नवें गुरु सी? फिफ्थ। सो बी आंसर लाया हो, आई होप सारे बच्चों ने। हुण अगे आनंदपुर साहब की गल चल रही सी, की आ वो सिखां दा धार्मिक स्थान आ, पिलग्रामेज। सो बी आंसर है इहदा अगर तुसीं लगाया सही है। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर की है बेटा, बैंक, लैफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज। देखो सारिया ने सी लगाया। ओके, नैक्सट वन सी लैक्स ऑफ सिक्स गैदर हेयर एनुअली, सालाना मतलब साल बाद एनुअली। सो यदा आंसर इतने की है, इतने डी लिखा पाया जबकि बी है। ठीक है, सो ए हो गए थोड़े दस क्वेश्चन लिसनिंग दे। जो प्रैक्टिकल होंदा गा बेटा तुहाडा, इहदे विचों तुहाडे जिवें तुहानू मिलणगे जिहड़ी प्रैक्टिकल शीट्स, छे नहीं जिहड़े सही होने चाहिए ने, तां तुहाडे छे मार्क्स आणगे। ठीक, सो ये होगी लिसनिंग। हुण अगे चलदे हां आपां स्पीकिंग पार्ट ते। तुसीं मार्किंग कर लैणी आपणे वी किन्ने आए। ठीक है, स्पीकिंग पार्ट दे विच फस्ट ऑफ ऑल तुहानू इदां दे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पुछे जांदे ने जिन्हां दे तुसीं आंसर करने हुंदे आ। ठीक, जिद्दां फस्ट है टीचर तुहानू क्वेश्चन पुछूगा वट इज़ योर हॉबी, तुसी अपने हॉबी दसनी है की हॉबी आ, देखो तुसी की आंसर दोगे उहदा। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुसी अपना जिहड़ा फ्री टाइम आ उह किद्दां स्पेंड करदे हो। थर्ड क्वेश्चन आ विच सब्जैक्ट डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, किहड़ा सब्जैक्ट आ जिहड़ा तुहानू बहुत ज़्यादा पसंद आ ते क्यों पसंद आ, इहदा आंसर करना तुसी। क्वेश्चन नंबर फोर आ हाउ डू यू शो रिस्पैक्ट टू यूअर ग्रैंड पेरेंट्स, जिहड़े तुहाडे दादा दादी ने ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हां नूं तुसीं जिहड़ी उन्हां दा सत्कार आ किस तरीके नाल करदे हो, ये क्वेश्चन आ। नैक्सट क्वेश्चन आ हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन यूअर स्टडीज़, किन्ना समा जिहड़ा तुसीं पढ़न नूं लाउंदे हो, ये पंज क्वेश्चन ने। सो इन्हां दे आंसर्स आई होप तुहानूं आउंदे होणगे, मैं तुहानूं इत्थे प्रोवाइड भी करवा रही हाँ, अगर तुहाडे तों कोई डिफर करदे ने तद भी कोई दिक्कत नहीं। अगर जिहड़े बच्चों नूं इन्हां दे आंसर नहीं पता ओह वाले आंसर याद कर लैण। जिद्दां फस्ट हॉबी दा सी माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स भी कह सकदे हो, माई हॉबी इज़ रीडिंग प्लेइंग कह सकदे हो, ठीक जो भी तुहाडी हॉबी आ। नैक्सट सी भी तुसीं फ्री टाइम किद्दां स्पेंड करदे हो, आई स्पेंड माई फ्री टाइम रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी, मैं आपदा वेला समा किताबां पढ़न च लाउना जा टीवी वेखण दे विच, जो तुहानूं हैगा पसंद इहदे चों तुसीं ओह बोल सकदे हो। थर्ड क्वेश्चन सी किहड़ा तुहाडा फेवरेट मोस्ट फेवरेट सब्जैक्ट आ, आई लाइक मैथ द मोस्ट, मैनूं सारे नालों वध किहड़ा सब्जैक्ट पसंद आ, मैथ, तुहानूं कोई होर आ तुसीं उत्थे ओह बोल सकदे, बिकॉज इट इज़ अ वैरी इंट्रस्टिंग सब्जैक्ट, ते पूरा सेंटेंस बोलना दोनों फिर ही आंसर सही हो। ठीक है, अगला सी तुसीं ग्रैंड पेरेंट्स नूं किद्दां रिस्पैक्ट शो करदे हो, आई शो रिस्पैक्ट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स बाई ओबेइंग दैम, उन्हां दी आग्या मन के उन्हां दा कहा मन के मैं उन्हां नूं रिस्पैक्ट, उन्हां प्रति जिहड़ा मेरे मन च सत्कार आ उह शो करदा। फिफ्थ क्वेश्चन सी किन्ने टाइम लगाउंदे हो तुसीं अपनी स्टडी लई, आई स्पेंड 2 hours इन स्टडी एट होम एवरी डे, मैं हर रोज़ 2 घंटे लाउना, तुसीं 3 लाउने तो 3 hours कह सकदे हो, ठीक 1 घंटा लाउने 1 hour कह सकदे हो। सो ये मैं जस्ट तुहानूं एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, तुसीं इस तरीके नाल इन्हां क्वेश्चनस दे आंसर दे सकदे हो बेटा। ठीक, हुण सैकेंड पार्ट स्पीकिंग दा जिहदे विच सानूं एक पिक्चर दिखाई जाती है तो उहदे नाल रिलेटड कुछ वर्ड्स दिते हुंदे ने जिन्हां दी हैल्प दे नाल असीं टीचर नूं 5 sentences सुनाने हुंदे ने बेटा। हुण देखो साडे कोल किन्ने सारे हिंट ने, ठीक उहनां नूं असीं यूज़ करांगे और सेंटेंस सौखे तो सौखा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैसन नाल रिलेटड ही ने, लैसन तुसीं पढ़िया होया, क्वेश्चंस तुसीं याद किए हुए ने, है ना। सो फिर तुसीं उत्थों भी जिहड़ा भी कोई भी इन्हां च वर्ड आउंदा गा बोल सकदे हो, जिद्दां चंडीगढ़ आ, प्लैंड सिटी आ, फुट ऑफ सिवालिक्स, सिवालिक हिल्स आ, फ्रेंच आर्कीटेक्ट आ, है ना, प्लीजेंट एटमोसफीयर आ, वर्ल्ड्स फेमस गार्डन आ, सेम इदा सारे नूं तुसीं किद्दां यूज़ करोगे, तुसीं बुक ते तुहाडे लैसन चों भी कढ सकदे हो, इत्थे मैं कढ के सौखे जे लिखे ने, ये भी तुसीं याद कर सकदे हो बेटा। दिस इज़ अ फेमस सिटी चंडीगढ़,
ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਗਲਾ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਦ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦ ਸਵੈਲਿਕ ਹਿਲਸ, ਠੀਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਵੈਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨਡ ਬਾਏ ਦ ਫੇਮਸ ਫਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਾਮ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫੋਰਮਲੀ ਓਪਨਡ ਇਨ 1953, ਸੋ ਫਿਰ ਦ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਮਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਓਪਨ ਇਨ 1953। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 5। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ 4 ਲੈਸਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ।